देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे विवाद में भारत की मुख्य चिंता कच्चा तेल की बढ़ती कीमतें थी, जिसके समाधान के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच विवाद काफी बढ़ गया था, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए थे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की वजह से कच्चा तेल उछलकर 3 महीने में उच्चतम स्तर पर $72 प्रति बैरल पहुंच गया था, जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि आने वाले दिनों में भारत में तेल के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि इस बीच अमेरिका की ओर से नरमी के भी संकेत मिले हैं, जिसके बाद तेल के भाव भी कम हो गए हैं। दोनों देशों के बीच नरमी कब तक बरकरार रहती है, ये देखना अहम होगा। हालांकि भारत अपने हिसाब से तैयारियां करने में जुट गया है। देखिए, विश्व में तनाव ना हो ये भारत की अपेक्षा है। भारत की विदेश मंत्री सारे स्टेक होल्डर से, सारे उनकी सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं। भारत एक मध्यवर्गीय समूह की देश है, बहुत सारे लोग एनर्जी प्राइस की वोलेटिलिटी के ऊपर प्रभावित होते हैं, और हमारी उम्मीद है विश्व की तनाव घटे और प्राइस एनर्जी में रीजनेबल रहे, रेस्पॉन्सिबल रहे, यह हमारी अपेक्षा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कच्चा तेल की वैश्विक कीमतों में आ रही तेजी को देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि एस जयशंकर ने सभी हितधारकों से बात की है। इसके अलावा कच्चा तेल आपूर्ति करने वाले मुख्य देशों के विदेश मंत्रियों को भी भारत की चिंताओं से अवगत कराया गया है। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में यह दावा किया है कि भारत हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए सभी स्तर की तैयारियां कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ साफ कहा है कि अभी भारत के लिए संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है, सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि दोनों देश आपस में शांति बनाए रखने की दिशा में काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।